उन्नाव में बेलगाम गौकशों पर नकेल कसने पर पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर व अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार सिंह सहित उनकी टीम को नरसेवा नारायण सेवा समिति उन्नाव के संस्थापक विमल द्विवेदी ने संस्था के पदाधिकारियों के साथ अंग वस्त्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। जनपद में संगठित अपराध के तौर पर गौकशी लगातार जारी थी और गौ तस्कर निरंकुश थे। आए दिन गौवंश के मांस और गौवंशों के अवशेष मिलना आम बात थी। इसी क्रम में सदर कोतवाली के अनवार नगर मोहल्ले में खाली प्लाट में गौवंश के अवशेष कुछ दिन पूर्व मिले थे, जिस पर घटना स्थल पर मौके पर पहुंचकर नरसेवा नारायण सेवा के पदाधिकारियों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया था व उच्च अधिकारियों को इस मामले की सूचना देकर गौ तस्करों की जल्द गिरफ्तारी कर कार्रवाई की मांग की थी। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक आदरणीय दीपक भूकर जी द्वारा इस घटना को प्राथमिकता के तौर पर लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार सिंह जी व क्षेत्राधिकारी नगर सोनम सिंह जी के नेतृत्व में टीम गठित कर गौकशी की घटना के जल्द खुलासे के निर्देश जारी किए थे, जिसमें गौ तस्कर महताब आलम कुरैशी को पैर में गोली लगी व पकड़ा गया व समीर निजाम को पहले ही पुलिस द्वारा जेल भेजा जा चुका है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।